एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। अभी मैं जा रही हूँ हमारे जिम का एक, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है तो वहाँ पे है आज स्विमिंग जुम्बा, मतलब पूल इन जुम्बा ऐसे समथिंग, तो वहीं पे जाना है। अभी मैं 5 मिनट लेट चल रही हूँ, आई एम रनिंग 5 मिनट्स लेट, तो जल्दी से चलते हैं। बस ये रिकॉर्ड करने के लिए मैं रुकी थी, तो चलिए अभी चलते हैं। सेशन हो गया है अच्छे से, थोड़ा सा स्पीकर का प्रॉब्लम हो गया था बीच में, इसीलिए ये सेशन कंटिन्यू होगा नेक्स्ट संडे को। तो मैं अभी आप लोगों को एक बार जो इंचार्ज है हमारे डॉली मैम, उनसे मिलाती हूँ एंड देन विल गो होम। तो ये है हमारे इंचार्ज आज के, डॉली मैम। बहुत अच्छा सेशन हुआ मैम, फिर भी स्पीकर नहीं थे हमारे पास, फिर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। एंड ये ब्लॉग हिंदी में इसलिए ताकि सारे तलवलकर्स को पता चले, मतलब वो देख सके, नहीं तो मैं मराठी में ब्लॉग बनाती हूँ। तो बहुत अच्छा था मैम, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे, yes, वो so बहुत अच्छा वाला ब्लॉग आएगा। हेलो बोल दो मैम। हेलो हेलो, सी यू ऑल नेक्स्ट संडे, सी यू टू दैट, बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज दीक्षा, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और आज बनानी है पनीर की सब्ज़ी। तो मम्मी ने सब कुछ रेडी करके रखा है, सिर्फ मेरे लिए बनानी है, इसीलिए इतनी सी बना रही हूँ। एंड कोई खाता नहीं है दूसरा कोई मेरे घर पे, और पनीर मेरी मम्मी को बनाना आता नहीं है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। अभी जल्दी से बनाते हैं इसको। और ये देखिए, ये प्यारा सा मेहमान हमारे खिड़की में आके रुका हुआ है, बिकॉज हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग बारिश हो रही है। पनीर भी पककर रेडी है, अभी थोड़ा सा मसाला इसमें डालते हैं, सिर्फ प्याज और टोमेटो है, उसकी प्यूरी बना ली है तो उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। एंड इसमें थोड़ा सा बटर डालते हैं, और ये मेरे पास सुहाना का बटर पनीर मसाला है, तो ये इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। बाद में सारे मसाले डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं एंड देन पनीर मसाला डालकर, पानी डालकर इसकी हम लोग ग्रेवी बना लेंगे। मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि आप माइक यूज़ कीजिए रादर देन ऐसे ही बोलने से, लेकिन मैं हेडफोन्स कनेक्ट करके बोलती हूँ। एंड माइक का प्रॉब्लम ये है, मेरे पास माइक है लेकिन वो वायर्ड माइक है, वायरलेस तो बहुत महंगा आता है, इतना मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ। एंड जो भी वायर्ड माइक है तो मेरे मोबाइल को नहीं लगता है, वो वन प्लस को वायर्ड माइक नहीं लगता है, तो इसीलिए हम आगे देखेंगे, जब भी पॉसिबल होगा तो वायरलेस माइक भी ले लेंगे, लेकिन फिलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी ब्रेकफास्ट बाकी है मेरा, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए टोमेटो फ्लेवर के ओट्स बनाए हैं, मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू बाकी फ्लेवर्स। तो अभी हम लोग ये खाते हैं। पापा अभी आए हुए हैं, वो अभी आम का सीज़न ख़त्म ही होगा तो आम लाए हैं एंड कैरी लाई है। ये कैरी है अचार बनाने के लिए, तो इसका अभी डलेगा अचार एक दो दिन में, क्योंकि पहली बारिश आज हुई है और इसके पहले भी थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो चुकी है। अभी बैग पैक कर दी है, टिफ़िन लेते हैं एंड चलते हैं लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में आ चुकी हूँ एंड अभी लगाते हैं हमारा टाइमर। टाइमर स्टार्ट करके मोबाइल को रख देते हैं साइड में एंड हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी की रिवीजन चल रही है अभी मेरी, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ मैं 11th की, एंड उसी की रिवीजन चल रही है अभी, इट्स अ सेकेंड रीडिंग।
अभी ये होने के बाद मैं इसको साइड में रख दूंगी या फिर थोड़ा ही पढ़ के साइड में रख दूंगी, बिकॉज दूसरी और एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि उस पर फोकस करना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो एग्ज़ाम्स जो है वो एक दो महीने में ही होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली वो अगस्त में हो जाएगी एंड जून अभी एंड होने को आ चुका है, तो इसीलिए हमारे हाथ में डेढ़ महीना है ऐसे पकड़ के मैं चल रही हूँ। इसलिए मैंने एनसीईआरटी को एक घंटा पढ़ लिया, देन 5 मिनट्स का ब्रेक लिया था, 55 हो चुके हैं, अभी इसको रिज्यूम करते हैं टाइम को एंड हमारा नेक्स्ट सेशन करने के लिए बैठते हैं जो है मराठी का। तो मैं ये सेशन करती हूँ, तब तक आप लोग मुझे बताइए कि जून की पहली बारिश आप लोगों के यहाँ हुई या नहीं, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट सारी जगह पे बारिश हो चुकी होंगी, और अगर हुई है तो आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। हम तो इस साल भीगे नहीं है लेकिन भीगेंगे ज़रूर। मैं एक बुक का रिव्यू पढ़ रही थी कल, नाम मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, तो उसकी एक स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, वो आप लोगों को मैं सुनाती हूँ एंड ये सच्ची घटना पर आधारित है। एक बहुत अमीर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, वो खुश नहीं होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, बिलियंस ऑफ मनी उसके अकाउंट में होता है एंड फिर भी उसको ऐसा नहीं लगता है कि वो खुश है, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं होता है। वो पैसों से सब खरीद सकता है लेकिन उसके पास मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो मन का सुख नहीं खरीद सकता है। एक दिन उसको बहुत काम के प्रेशर से हार्ट अटैक आता है एंड वो एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो वो आजू बाजू देखता है, उसके आजू बाजू में किसी की बीवी बच्चे फ्रूट्स लेके वहाँ पे होते हैं और इसके पास कोई नहीं होता है, हालांकि इसकी बहुत बड़ी फैमिली होती है। तो ये सोचता है कि मैंने अपनी फैमिली को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, मैंने अपनी फैमिली को कभी टाइम नहीं दिया, तभी इसी वक्त मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। उससे वो रिकवर होता है एंड फिर वो चलता है मन की शांति ढूंढने के लिए, तो उसके पास होती है फरारी गाड़ी, वो बेच देता है, उसके पास जो भी अकाउंट्स होते हैं उसके वो पूरे पैसे उसमें डाल देता है, खुद के पास कुछ भी नहीं रखता है और जाता है एक पहाड़ पे। पहाड़ के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाके उसको चक्कर आके वो वहाँ पे गिर जाता है एंड वहाँ पे एक अच्छी फैमिली उसको मिल जाती है, उसको उठा के लेके जाती है, उसका ट्रीटमेंट करती है और वो उसको बताते हैं कि तुम मेडिटेशन करो एंड इससे मतलब पूरा वो सिखाते हैं एंड उसके बाद वो पूरा मेडिटेशन करके बहुत ही मतलब शांत हो जाता है एंड फिर वो ये सारी बातें बताता है उसके ऑफिस में आके। तो उसके ऊपर ये बुक लिखते हैं, उनके पीए ने ये बुक लिखी है, A Monk Who Sold His Ferrari, बहुत ही फेमस बुक है, सभी लोगों ने नाम सुना होगा लेकिन किसी ने पढ़ी नहीं होगी। मैंने तो बहुत ही शॉर्ट में बताया, एकदम एक डेढ़ मिनट में, लेकिन बुक बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने रिव्यू में ही बहुत अच्छा पढ़ा है, तो पढ़ूंगी जब भी टाइम होगा। लेकिन ये स्टोरी आपको बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग पैसे के पीछे भागोगे और आप लोगों को अगर मन की शांति ही नहीं मिलेगी तो वो पैसा कुछ भी काम का नहीं है। आई थॉट पैसा इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ से ऊपर पैसा नहीं है, पैसा इक्वल है सारी चीज़ों के लिए। आज आपके पास पैसा है कल नहीं होगा, शायद ऐसा हो सकता है, या फिर आज कोई गरीब है कल वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाएगा, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास पैसा होना चाहिए, ये मैटर करता है और आप कितने अच्छे हैं, आपके विचार कितने अच्छे हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, ये ज़रूर सब लोग ध्यान में रखते हैं। आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं इससे ही आपकी पहचान बनती है, तो इसीलिए सारे लोगों से अच्छे से बर्ताव कीजिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और खुशी बांटिए सारे लोगों में, तो आप हमेशा बहुत अच्छा फील करोगे, लाइट फील करोगे, कभी भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। एंड अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा आज का स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, 10:30 बजे मैं घर पे आई, बीच में मैं मेरे भाई के यहाँ पे गई थी मैथ्स पढ़ने के लिए, तो वो कल से शूट करूँगी, आज वो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव, बाय एवरीवन, थैंक यू।